नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रतापगढ़ के पुलिस लाइन में। गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंती ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं पुलिस के जवानों ने मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंती को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सलामी दी। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन बंसल ने कलेक्ट्रेट में ध्वजारोहण किया। पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में एसपी सतपाल अंतिल, एएसपी रोहित मिश्रा, विद्यासागर मिश्रा सीओ समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं मंत्री ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी है। विश्वास व्यक्त कर रहा है, उसी का नतीजा है कि 2014 प्रचंड बहुमत के साथ इस देश की जनता को उसी का 2014 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कमिश्नर रवि कुमार ने पुलिस परेड ग्राउंड में परेड की सलामी ली। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में हर साल की तरह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पुलिस विभाग की तरफ से मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। सबसे पहले उन्होंने तिरंगे को सलामी दी और कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान एसएसपी डॉ गौरव ग्रोवर ने सभी पुलिसकर्मियों को एकता और अखंडता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही पुलिस विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित करते हुए प्रशस्ति पत्र देकर उनका हौसला अफजाई किया। वहीं देशभक्ति गीतों पर स्कूलों बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुति दी। पुलिस विभाग, अग्निशमन विभाग, ट्रैफिक पुलिस विभाग के लोगों ने परेड की सलामी लेते हुए अपने अपने स्टंट दिखाकर सभी को रोमांचित भी किया। गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है और हम लोग खुशी हर्ष और उमंग के साथ गोरखपुर में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में हम लोग पहले अपने कार्यालयों पर ध्वजारोहण करते हैं और उसके बाद पुलिस लाइन में कार्यक्रम होगा जहां कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में कार्यक्रम की जाएगी। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है बिकॉज संविधान ही वो आदर्श मूल्य बताता है जिसके आधार पर यह देश चलता है और उसमें भी पुलिस विभाग एक अहम विभाग है क्योंकि उसका मुख्य दायित्व इन आदर्शों मूल्यों को कानूनों का पालन। तो खबर गाजियाबाद से है जहां पुलिस लाइन में पुलिस के जवानों और पीएससी ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम की अगुवाई आईपीएस निमिष पाटिल ने की है। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और ऐसे में परेड भी इस दौरान निकाले गए। बड़े ही धूमधाम से गाजियाबाद में गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस दौरान ध्वजारोहण भी किया गया। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मैं आशिक चौधरी एसबी इंटरनेशनल की तरफ से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं उपेंद्र सिंह रावत, सांसद बाराबंकी, जनपद वासियों के साथ साथ पूरे प्रदेशवासियों को तथा देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। पूरे देशवासियों व प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय हिंदू शिवसेना व भाजपा समर्थक मंच समस्त उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी के द्वारा गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी गणतंत्र दिवस के पर्व को बड़े ही अच्छे और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएंगे। मैं सबकी स्वस्थ और सुखी रहने की कामना करता हूं। ईश्वर करे कि इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारा देश एक नए कीर्तिमान को स्थापित करे, यही मेरी ईश्वर से कामना है।
पुनः आप सबको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां। जय श्री राम। मैं राम कुमार चिंटू यादव लोकसभा क्षेत्र डुमरियागंज के समस्त सम्मानित जनता को एवं प्रदेशवासियों को एवं देशवासियों को हमारी तरफ से गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम प्रकाश यादव थाना प्रभारी निरीक्षक जलालपुर क्षेत्र सरीला हमीरपुर की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की ओर से गणतंत्र दिवस की देश प्रदेश एवं मथुरा जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत भीषमपुर ग्राम प्रधान सोनभद्र प्रतिनिधि अजय कुमार की ओर से गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत धोसरा प्रधान सोनभद्र से श्री फूलमती देवी प्रधान प्रतिनिधि सिद्धनाथ सिंह की तरफ से गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सरदा खातून सपा विधायक डुमरियागंज की तरफ से विधानसभा डुमरियागंज और प्रदेशवासियों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं मुबारकबाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेश की झांकियों में संस्कृति दिखाई दी है, आइए आपको सीधा लखनऊ ले चलते हैं और वहां पर तस्वीरें दिखाते हैं। उठाने कठिन हमारे लिए दुर्गम क्षेत्र हो
स्वागत कीजिए। आप हमें
से बंद हुई और हमारी सरहदें सुरक्षित हैं, तो इन शूर वीरों की हिम्मत, साहस और वीरता और साथ श्रद्धा के साथ में और अब ये आदमी और विश्वसनीय थी आपके समक्ष स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है और ग्रहण करके फसे हुए पत्थर मांगों को निकालने के लिए सक्षम है और उसका नेतृत्व कर रहे हैं हवलदार सूबेदार जो रिकवरी वाहन चुनावी को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डिजाइन किया गया है। जब हम पानी के बहावों में रिकवरी करने में सक्षम है और दवाई के दौरान पानी की बाधाएं और गंभीर क्षेत्रों में भी कई क्षमता को कई प्रदेश के झांकियों में आपको बता दें कि प्रदेश की संस्कृति जो है वो साफ तौर पर देखी गई। तो आज 74वां गणतंत्र दिवस है और इस अवसर पर देश के साथ साथ प्रदेश में भी वो उत्साह, वो धूम जो है लोगों में देखी जा रही है और ऐसे में लखनऊ में भी आज परेड निकाली गई और प्रदेश की झांकी जब निकाली गई उस झांकी में प्रदेश की संस्कृति जो है वो साफ तौर पर देखी गई। ये लखनऊ से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर झांकियाँ निकाली जा रही है और जवानों में जो उत्साह है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर परेड भी निकाली जा रही है और अलग अलग कार्यक्रमों का भी आयोजन इस दौरान किया गया। तो प्रदेश की संस्कृति जो है इस झांकी में देखी गई है
और इस दौरान कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने मां विंध्यवासिनी के दरबार में पूजा अर्चना की। मां विंध्यवासिनी का विधि विधान के साथ पूजन किया गया। पूजा के बाद पत्रकारों से वार्ता के दौरान उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पर जमकर हमला बोला और कहा कि इस तरह के बेतुके बयान पर जनता 2024 लोकसभा चुनाव में अच्छे से सबक सिखाएगी। मंत्री अनिल राजभर ने कहा है कि हमारे श्रम विभाग ने पूरे मिर्जापुर मंडल से 1008 श्रमिकों की बेटियों की शादी कराने का संकल्प लिया। साथ ही उन्होंने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य खुद को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, जो भारत भूमि की परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो पहचान है, जिस रामायण के प्रति भारत में रहने वाले करोड़ों लोगों की आस्था और दुनिया में रहने वाले भारतवासियों की आस्था जुड़ी हुई है, उस पर इस तरह से टिप्पणी करने में समझता हूं कि जिसका मानसिक संतुलन ठीक हो वह इस तरह का बयान तो नहीं दे सकता। कि हमारे विभाग ने, श्रम विभाग ने पूरे मिर्जापुर मंडल से 1008 श्रमिकों की बेटियों का हाथ पीला करने का संकल्प लिया। आज मां के दरबार में हमने प्रार्थना किया है, बारह परौली गढ़ौली धाम में होने वाला ये सामूहिक विवाह का समारोह सकुशल संपन्न हो। रामचरितमानस को लेकर लगातार विवादित टिप्पणियों का दौर जारी है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के अब बांदा के पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के नेता बृजेश प्रजापति ने रामचरितमानस को बैन करने की मांग की है। इसको लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आज बांदा में भाजपा और राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए टिप्पणी करने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की मांग की है। पूर्व विधायक रहे बृजेश प्रजापति ने रामचरितमानस की चौपाइयों को हटाने की और रामचरितमानस को बैन करने की मांग की है। इसके बाद भाजपा और राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना कार्यकर्ताओं में खास आक्रोश देखा जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि लगातार जिस तरीके से हिंदू विरोधी ताकते हैं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य, आपके श्याम मानव जी, आज हमने अभी रात में ही एक वीडियो देखा, आप पत्रकार बंधुओं ने उसको अपने अपने चैनलों में चलाया है, बृजेश प्रजापति का। मैं आपको बता दूं कि ये ऐसे हिंदू विरोधी ताकते जो लगातार हमारे सनातन धर्म पर, हमारे हिंदू धर्मगुरुओं पर, हमारे हिंदू ग्रंथों पर प्रतिघात कर रहे हैं, आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में ऑल इंडिया परमानता मुस्लिम महाज उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद वसीम राइन ने बुनकारों के नाम पर किए जा रहे घोटालों को लेकर सरकार से जांच करवाने की मांग की। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा प्रदेश सरकार की मंशा पर पानी फिरता दिख रहा है। उन्होंने कहा घोटालेबाज सोसाइटी बनाकर बड़ा घोटाला कर रहे हैं। सरकार की मंशा है कि उनकी योजना का लाभ हर गरीब तक पहुंचे, लेकिन यहां बिचवानी ही सरकार की मंशा पर पानी फेर रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि बुनकारों के साथ सब्सिडी लाभ को लेकर घोटाला कर दिया जाता है। मोहम्मद वसीम राइन ने बताया कि जो धागे का कारोबार करने वाले लोग हैं वो सोसाइटी बनाए हुए हैं जिसमें बुनकारों के नाम से धागे मंगवाए जाते हैं। बुनकारों को इसके बारे में पता तक नहीं होता है। उन्होंने बताया कि जिस गाड़ी से बुनकारों के लिए धागा आता है उसका किराया तक सरकार देती है, लेकिन जो बीच वाले हैं वो लोग गरीब बुनकारों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। तो हमेशा जो है कि वो सब्सिडी थी, सरकार भी दे रही थी। अब ये बुनकरों के जो सब्सिडी का मामला है, बुनकर को धागे पे सब्सिडी मिलती है, उसमें मिसयूज भी हो रहा है। तमाम जो धागे का कारोबार करने वाले हैं वो तमाम लोगों के नाम से अपनी फर्जी सोसाइटी बनाए हुए हैं, उस पर लेते हैं धागा, मंगाते हैं कि ये बुनकरों के लिए मंगा रहे हैं, उसको सेल आउट करते हैं।
इस तरह से मिसयूज भी हो रहा। सरकार की जो मंशा है कि गरीब तक उनकी सब्सिडी पहुंचे, उसमें दिक्कत आ रही, इस पर भी सरकार को गौर करने की जरूरत है। खबर हमीरपुर से है, जहां चार दिन पहले जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच आपसी मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिस पर आपस में मारपीट करने के मामले में पुलिस ने 14 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था। मारपीट के दौरान घायल हुए एक युवक की आज इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने कलेक्ट्रेट में शव रखकर हंगामा शुरू कर दिया। कलेक्ट्रेट पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई थी और इसमें मुकदमा दोनों तरफ से पंजीकृत हुआ था और एक व्यक्ति जो इनमें से हैं, जिनका शरीर अभी लाया गया था, वो उनकी कानपुर के अस्पताल में मृत्यु हो गई थी सर के चोट लगने की वजह से। लगभग कितने लोग चोटिल हुए थे इस मारपीट के दौरान? दोनों पक्षों में जो करीब 10-15 लोग करीब थे जो चोटिल हुए थे। आरोपियों के ऊपर क्या कार्रवाई की गई? अभी दो आरोपियों को पकड़ लिया गया, पुलिस हिरासत में ले लिया गया। क्या मांगे थे सर, किन मांगों को लेकर धरना दे रहे थे लोग? धरना ये दे रहे थे कि पुलिस की कार्रवाई को लेकर और बाकी उनका शायद जमीनी विवाद। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मैं साथ देते हैं, देश और प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।